guys, hello and welcome back my YouTube channel, The Rising Soul. I'm back with a new vlog, and guys, now let me tell you about the today's content. I'm gonna drive the Husqvarna Whitpillion 250cc. So guys, इसमें अभी मैं घर पे हूँ और घर से जाके शोरूम सीधा, मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने एक रिव्यू दिया आपको Whitpillion के ऊपर, तो अब थोड़ा टेस्ट ड्राइव के ऊपर रिव्यू आपको बता दिया जाए, ठीक है। और गाइस, देखते हैं चल के क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब पसंद आती है मेरे को कि नहीं आती टेस्ट ड्राइव का, क्योंकि ऐसे देखने की बात अलग होती है, ऑन रोड देखने का रोड प्रेजेंस उसका कुछ अलग होता है। तो गाइस, मेक श्योर कि आप मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो मेक श्योर जाके जरूर से जरूर फॉलो कर लो, हर चीज की अपडेट और काफी अच्छे अच्छे रील्स उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे तो मेरे लिए, आप लोग के लिए है कि नहीं, आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक पता कैसे नहीं चलेगा। तो चलो बिना देरी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। होप यू विल गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग, मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में इन 3, 2, 1। सो हे गाइस, चलिए करते हैं हम अपनी टेस्ट ड्राइव चालू, जो कि हमें मिलने वाली है 250 क्वार्टर लीटर सेगमेंट सीसी की Whitpillion की राइड, थैंक्स टू जबीन भैया। तो हे वी गो विद अ राइड एंड लेट्स चेक इट आउट। तो भैया मेरे साथ बैठ रहे हैं, ठीक है ना, इधर ही चलें। सो गाइस, हियर वी गो विद द फर्स्ट गियर। गाड़ी काफ़ी सही है, पिकअप भी ऑलमोस्ट गुड एंड गाइस, मेरे को राइड करने में क्या बताऊँ मैं, मतलब कंफर्ट तो हो रहा है एंड साथ ही साथ मेरे को एक होता नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल भी सही है मेरा। चेक करेंगे हम ब्रेक्स वगैरह, ब्रेक्स वर ऑल्सो टू गुड, इवन बैक ब्रेक वॉज ऑल्सो सो गुड। वाओ गाइस, इट्स ऑल्सो सो गुड इन द टर्न्स ऑल्सो, मतलब टर्न्स भी आप चाहो तो काफ़ी ईजिली ले सकते हो, गाड़ी इन हैंड आपके बहुत कंट्रोल में रहेगी ऑलमोस्ट। एक भी पावर ड्रॉप नहीं है, अभी थर्ड गियर पे है। वाओ लिटरली गाइस, वाओ। बस जो है कि आपका बैक जो पॉइस्चर है उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। भैया यहीं से टर्न ले लें, यहीं से टर्न ले लें। सो गाइस, ब्रेक्स के लिए कहूँगा काफ़ी बढ़िया है, आइए चलिए थोड़ा खींचा जाए। पहला गियर, ये दूसरा गियर, लवली हॉर्न, अगेन अब ब्रेक अप्लाई करेंगे और बहुत इजीली ब्रेक अप्लाई हो गया, काफ़ी सही हैंडलिंग है भाई। एक कैफे रेसर के हिसाब से देखा जाए गाड़ी बहुत कंट्रोल में चल रही है, और ये लीन करते हुए सुपर भाई, सुपर। इसका भी फीडबैक बहुत बढ़िया है, ब्रेक्स वगैरह बहुत अच्छे से काम कर रहा है गियर में कहना चाहूँगा, एंड जो पॉइस्चर है जो अग्रेसिव कैफे रेसर के साथ जो मिक्स अग्रेसिव पॉइस्चर आ रहा है वो बहुत सही आ रहा है, कि आप तुरंत चाहो तो ऑटो रिस्पॉन्स के साथ अपनी गाड़ी को पुल अप कर सकते हो। एग्जैक्टली गाइस, या एंड 250 सीसी में 30 पीएस पावर के साथ इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलने वाला है गाइस।
there we go. It's looking too damn good. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द बाइक फीडबैक. ओवरऑल बाइक रोड प्रेजेंस में और क्या कहते हैं आप किसके चलाने में टॉप नॉच क्वालिटी लगी मेरे को. इनफैक्ट जो हमारा टर्निंग रेडियस आ रहा था, टर्निंग रेडियस पे टर्निंग पॉइंट और लीनिंग और कर्विंग और क्या कहते हैं इसकी हैंडलिंग, ब्रेकिंग इवन, और जो मेन चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा लगा. ओवरऑल बाइक वॉज टू गुड. बट गाइज जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैंने 1.5 किलोमीटर बाइक चलाई, बट 1.5 किलोमीटर के बाद जो मेरी बैक में पेन हुआ ये एक्चुअली मेरे साथ है, क्योंकि मेरा अराउंड 2012-13 में एक्सीडेंट हुआ था एंड दैट्स वाई मेरी जो बैक है वो जा रखी है गाइस लिटरली. तो इसलिए मैं इसको ख़रीद नहीं सकता ओवरऑल, लेकिन अगर बैग सही होती तो मैं इसको ज़रूर खरीदता. एंड मैंने थोड़ा अपने पर्पज़ के हिसाब से भी बाइक लेनी है. तो विट पिलिन तो हमारे गैरेज में नहीं ऐड हो सकती गाइस. मैंने चला के देखी, मुझे सारी चीज़ें बहुत बेहतर लगी, बट एक बैग का इशू था जो उसकी वजह से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ. अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल अपने गैरेज में लाओ इस गाड़ी को गाइस, क्योंकि इन सिटी राइड एंड ऑन संडे मॉर्निंग राइड दिस बाइक इज़ टू गुड यू नो. एंड ओवरऑल आपका पॉस्चर बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अग्रेसिव लगता है, कैफे रेसर वाला लुक है इस बाइक में. तो मुझे बाइक बहुत सुंदर लगी हर एक चीज़ में. बस मेरी एक्साइटमेंट जो थी वो थोड़ी डाउन हो गई बाइक को लेकर, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई, वो मेरा इशू है गाइज, मेरा फॉल्ट है कि मैं ले नहीं सकता, इसलिए मेरा जो एक्साइटमेंट डाउन हो गया. तो गाइज यही रिव्यू था छोटा सा, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो यू नो ड्रिल, हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहेगी. तो गाइज चलिए करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं किसी बड़े से नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.